आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में DLED फर्स्ट ईयर 2022 से 24 सेशन के बच्चों के लिए सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि सर सिलेबस क्या पढ़ना है, यूनिट वाइज पेपर वाइज आप मुझे बता दें। तो अभी हम जो है पेपर F6 की बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने F5 तक जो है पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, आपको पूरा सिलेबस पार्टिकुलर सिलेबस बताया गया है, समझ रहे हैं। अगर हम बात कर ले कि इस पेपर में जो है कितना घंटा का स्टडी होता है, तो अध्ययन अवधि जो होता है आपका कितना होता है, 40 घंटा का होता है। और सबसे पहले जो है इस पेपर का नाम है शिक्षा में जेंडर और समावेशी परिप्रेक्ष्य के बारे में इसमें जानना होता है कि शिक्षा में जेंडर की भूमिका क्या है, समावेशी परिप्रेक्ष्य क्या है। इसी पेपर इसी टॉपिक के ऊपर जो है सारे आपका सिलेबस इस पेपर का है, समझ रहे हैं। और आपको इतना तो मालूम ही होगा कि आपके फर्स्ट ईयर में 1000 नंबर का एग्जाम होता है, समझ गए, जिसमें जो है आपका 437 के अप्रॉक्स जो है नंबर, 400 प्लस नंबर जो होता है आपका इंटरनल होता है और 500 कुछ नंबर जो होता है आपका एक्सटर्नल होता है। ये बातें आपको याद रखिएगा, समझ गए। और यहाँ पर हम बात कर ले कि कितने नंबर का यह पेपर होता है, तो यह पेपर जो होता है आपका 50 नंबर का होता है, जिसमें आपका 35 नंबर का एग्ज़ाम होगा आपके सेंटर पर, मतलब कि यह एक्सटर्नल होता है, बाकी ये 15 नंबर जो होता है आपका इंटरनल होता है, समझ गए। ये आपका इंटरनल होता है, याद रखिएगा, जो कि कॉलेज के मतलब टीचर के हाथ में होता है। तो इसमें जो है मैं आपको बता दूं कि केवल जो है यूनिट आपको 3 ही पढ़ना है, यूनिट जो है इसमें 3 ही पढ़ना है। इसी 3 यूनिट में जो है आपके 20 पॉइंट के आसपास होंगे, तो एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के तौर पर, फिर आपके जब क्लास लगेंगे तो टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज आपको कराए जाएंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहाँ पर देखिए आपका यूनिट इकाई यूनिट 1 जो है यहाँ पर कि समावेशी शिक्षा के महत्व के बारे में जो है इसमें आपको पढ़ना है, समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है, समझ रहे हैं। तो इसमें जो है केवल आपको 4 बिंदु ही पढ़ना है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला बिंदु है कि भारतीय समाज में समावेशन और अपवर्जन के विविध रूप, हाशिए का समाज, जेंडर, विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांगजन, मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दिव्यांगजन, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला बिंदु है, यहाँ पर भारतीय समाज में समावेशन के बारे में जानना है कि भारतीय समाज में समावेशन कैसे होता है, फिर आपके अपवर्जन के बारे में, फिर विभिन्न अपवर्जन के विभिन्न रूप के बारे में, जैसे कि हाशिए का समाज, फिर यहाँ पर जेंडर, फिर यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दिव्यांगजन, इसके बारे में जो है आपको पढ़ना है। आगे हम यहाँ पर बात कर ले तो कक्षाओं में विविधता और यहाँ पर जो है असमानता की समझ के बारे में जानना है। कक्षा में जो है विविधता क्या होता है, असमानता क्या होता है, इसके समझ के बारे में जानना है। साथ ही साथ पाठ्यचर्यात्मक और शिक्षण शास्त्रीय संदर्भ के बारे में जो है आपको जानना है। ये बातें आपको समझ में आ गया। अगला यहाँ पर बिंदु है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं आवश्यकता क्या है, जो हमारा समावेशी शिक्षा है इसकी अवधारणा क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है, इसके बारे में आपको जानना है, समझ रहे हैं मेरी बात को। अगला यहाँ पर आपका अगला बिंदु है इसी में, समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति एवं प्रक्रिया, जो हमारा समावेशी शिक्षा होता है इसका आकलन की प्रक्रिया क्या है या इसकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में जो है पढ़ना है इसमें। तो ये जो है आपका क्या है, यूनिट 1 था। अब हम जो है यूनिट 2 के ऊपर चलते हैं, तो चलिए यूनिट 2 के ऊपर। तो देखिए यूनिट 2 भी जो है आपका छोटा ही है। यूनिट 2 में जो है आपको पढ़ना है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांगजन और समावेशी शिक्षा के बारे में। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किसे कहते हैं, तो वैसे बच्चे जिनको जो है दिक्कत हो किसी तरह की, सुनने में, देखने में, पढ़ने में, चलने में, तो उनको जो है सामान्य कक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करके उनको एक साथ पढ़ाया जाए, उसी को हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो इसी के अंतर्गत जो है ये सब बच्चे आते हैं, तो आपको बताया जाएगा जब क्लास होंगे, पहले सिलेबस को समझ लें, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर 3 बिंदु हैं, देख सकते हैं। पहला बिंदु की हम बात कर ले तो समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का संदर्भ, समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ क्या है, ऐतिहासिक विकास के ऊपर, वर्तमान स्थिति में और चुनौती और बिहार के संदर्भ में, समझ गए कि जो समावेशी शिक्षा में जो आवश्यकता वाले बच्चे को शामिल करके पढ़ाया जा रहा है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, तो ऐतिहासिक विकास क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है इसके बात में है, और चुनौती क्या है और बिहार का संदर्भ में क्या है कि बिहार में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सरकारी विद्यालय में कोई प्रावधान है या नहीं है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, समझ गए। फिर है आपका अगला बिंदु, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे
विविध प्रकार पहचान के तरीके व सीमाएं। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, विविध प्रकार के होते हैं, जिसे चलने में दिक्कत होती है, देखने में दिक्कत होती है, सुनने में दिक्कत होती है, बहुत सारे मतलब होते हैं, पढ़ने में लिखने में बहुत सारी कठिनाइयां उनको होती है, तो उनके पहचान और उनके तरीकों को कैसे लागू, कैसे आप अपने कक्षा कक्ष में पहचान करेंगे कि सामने वाला बच्चा जो है विशेष आवश्यकता वाली है, समझ गए। आगे इसका बिंदु है थर्ड कि समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सीखने के लिए शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। जो आपका समावेशी कक्षा है उसमें जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सीखने के लिए शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, समझ गए। तो ये जो है आपका यूनिट टू में इतना पढ़ना है। अब हम जो है यूनिट थ्री के ऊपर बात करेंगे। तो यूनिट थ्री में जो है जेंडर विमर्श और जो है आपका शिक्षा के बारे में जानना है। यूनिट थ्री की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर जेंडर विमर्श और शिक्षा के ऊपर हम बात करेंगे कि जेंडर विमर्श क्या होता है और शिक्षा क्या होता है, इसी से रिलेटेड जो है हम सारी बातों को समझेंगे, समझ रहे। जेंडर विमर्श और शिक्षा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें चार बिंदु जो है आपको पढ़ना है, समझ रहे। पहला बिंदु है कि जेंडर का अवधारणा और संदर्भ, यहाँ पर है पितृ सत्ता व नारीवादी विमर्श के संदर्भ में जेंडर विभेद। मतलब कि जेंडर जानना है कि जेंडर क्या होता है, जेंडर की अवधारणा क्या होती है, जेंडर का संदर्भ भी जानना है और पितृ सत्ता व नारीवादी विमर्श के संदर्भ में जेंडर विभेद के बारे में जानना है। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे जो है आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, समझ गए। अगला यहाँ पर है कि बच्चों के समाजीकरण में जेंडर की भूमिका। देखिए मैंने आपको जो है समाजीकरण बताया है उसमें जेंडर की भूमिका क्या होती है कि तुम लड़का हो तो तुम क्रिकेट खेलोगे, लड़की हो तो नहीं खेलोगे, इस तरह की बहुत सारी भूमिकाएं आपको देखने को मिलेगा जिसमें बचपन, परिवार, समुदाय और मीडिया, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको F1 पेपर में पढ़ाया है कि बचपन क्या होता है, परिवार क्या होता है, समुदाय क्या होता है, मीडिया क्या होता है, समझ गए, इसके बारे में जानना है। फिर यहाँ पर जो है शिक्षा व्यवस्था व विद्यालय में प्रचलित जेंडर विभेद जैसे कि पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकें, कक्षा प्रक्रियाएँ, विद्यार्थी शिक्षक, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, संवाद के विशेष संदर्भ में, ये बातें इसमें आपको पढ़ना है कि शिक्षा व्यवस्था व विद्यालय में प्रचलित जो जेंडर विभेद है, जो आपके पाठ्यचर्या या पाठ्यपुस्तकें, कक्षाई जो प्रक्रियाएं हैं, विद्यार्थी शिक्षक है और स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन है, संवाद के विशेष संदर्भ में, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। आगे हम यहाँ पर बात कर ले तो जेंडर संवेदनशीलता और समानता में शिक्षा की भूमिका के बारे में जानना है कि जेंडर संवेदनशीलता और समानता में शिक्षा की भूमिका जो है क्या है, समझ रहे। तो ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपका यूनिट थ्री में पढ़ना है। तो जो ये आपका पेपर था F6 जिसमें जो है आपको समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य के बारे में जानना था, तो इस पेपर में केवल आपको जो है यूनिट थ्री ही पढ़ना है। शिक्षा में जेंडर और समावेशी परिप्रेक्ष्य के बारे में जानना है तो इसमें केवल जो है आपको तीन ही यूनिट आपको जो है पढ़ना है। तो मैंने इस वीडियो में जो है आपको पूरा सिलेबस बता दिया है, तो आशा करता हूँ कि ये सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।